हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे गाइस। तो जैसे कि गाइस आप सब जानते हैं कि मैंने हर साल आपको रोड मैप की वीडियोस दी हैं, इस साल भी दी हैं मैंने आपको वीडियोस। फिर अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें एड ऑन हुई हैं और डिमांड अलग तरीके की है क्लाइंट की इस टाइम पे, और जो कंपनीज के इंटरव्यू भी हो रहे हैं वो बहुत डिफरेंट हो रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि जो भी चीजें अभी रियल वर्ल्ड में चल रही हैं, जो भी क्लाइंट डिमांड रख रहा है अपनी, उन चीजों को इंक्लूड करके एक रोड मैप बनाया जाए जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर हेल्प कर सके आप लोगों को जॉब दिलवाने के लिए। इसीलिए मैंने एक रोड मैप अभी डिजाइन करा है जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इस रोड मैप को फॉलो कर लिया तो आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी गाइस। जैसे कि जॉब लगने के लिए जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है वो, एंड अगर आप फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं तो एक इंडिपेंडेंट फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं आप। ओके, तो कैसे? तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग। तो मैं अपनी स्क्रीन पे लेके आया हूं आपको सबसे पहले। तो मेरी स्क्रीन पे आने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मैंने सबसे पहले यहाँ पे बनाया हुआ है, क्योंकि हम सारा कुछ आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको बैक एंड या फुल स्टैक या मर्न मी जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट जरूर कर देना, मैं डिटेल में उसके ऊपर रोड मैप वीडियो बना दूंगा। बट अभी देखते हैं फ्रंट एंड को। तो फ्रंट एंड के अंदर आता है सबसे पहले पहला पॉइंट जो कि है आपका फंडामेंटल। फंडामेंटल के आप फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड के अंदर आ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रंट एंड को सीखना है तो फंडामेंटल आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। तो इसके लिए मैंने मेंशन करा है आपका 0 to 3 months का। ओके, देन इसके बाद आप देखेंगे फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स जो कि मैंने 3 to 6 months के अंदर रखा है। देन इसके बाद है आपका यहाँ पे एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो कि है आपका 6 to 9 months के बीच में। देन इसके बाद है आपका डेवऑप्स सीआईसीडी जो कि है 9 to 12 months का। ये चार टॉपिक्स में मैंने इस चीज को बांटा है। ओके, तो सबसे पहले वन बाय वन करके हम बात करेंगे, यहाँ पे फंडामेंटल की बात करेंगे हम। तो फंडामेंटल के अंदर जैसे कि जब कभी भी आप वेब डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड को स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले आप एचटीएमएल पता होना चाहिए। अब एचटीएमएल है क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कोई भी लेआउट, इसके बिना आप यहाँ पे वेब पे कोई भी चीज शो नहीं कर सकते, क्योंकि जब कभी भी कोई आप वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको एचटीएमएल को यूज करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। ओके, तो ये आपको आना ही चाहिए। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रखा है, और बाकी ट्यूटोरियल के बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका सीएसएस। सीएसएस क्यों आना चाहिए? जब आप एक वेब डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड को सीख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपनी एक ऐसी वेबसाइट बनाऊं या क्लाइंट्स के लिए ऐसी वेबसाइट बनाऊं जो कि बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो, राइट, ब्यूटीफुल दिखे देखने में, तब आपको अपनी सीएसएस बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास में सीएसएस का CSS3 का वर्जन मिलता है, जिसके अंदर आपको फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड ये दोनों पता होना चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टीज, ये दोनों मेथड्स कैसे वर्क करते हैं, और यही इंटरव्यू के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। देन इसके बाद है आपका रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे कि अगर आपको कोई भी टास्क मिलता है तो सबसे पहले आपका सीनियर यही बोलेगा आपसे कि इसको मोबाइल फर्स्ट रखना, देन आईपैड, आईपैड प्रो, लैपटॉप, मिनी लैपटॉप, देन उसके बाद में 2K लैपटॉप स्क्रीन्स। इस तरीके से आपका डिजाइन होता है मार्केट में। ओके, तो ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को जरूर कवर करना आज के लिए, ठीक है? ये हो गया आपका। इसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको क्या करना है, ES6। ES6 के अंदर क्या बहुत कुछ है? नहीं, बहुत कुछ में हम अभी नहीं जाएंगे। क्या चीजें सबसे ज्यादा यूज करी जाती है मार्केट में, क्यों बोलते हैं कंपनी के अंदर की जावास्क्रिप्ट इतनी करके आ जाओ, तो वो ही चीजें हम करने वाले हैं बस। तो सबसे ज्यादा क्या यूज करा जाता है, डॉम मैनिपुलेशन। तो डॉम मैनिपुलेशन को आपको बहुत अच्छे से सीखना है, जिससे कि आप जितने भी टास्क डॉम के हों वो कर पाए अपनी कंपनी में। एंड इसके बाद में आपको API से रिलेटेड, इट मींस फैच API एंड असिक अवेट, ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। ओके, इसके बाद है फोर्थ नंबर पे यहाँ पे CSS फ्रेमवर्क्स। अब मानिए कि आपने HTML, CSS, JavaScript ये तीनों चीजें सीख ली, अब आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट्स बनाना, आपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, ओके, जो भी आप बनाना चाहें बहुत कुछ है गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे। अब आप चाहते हैं कि CSS का किस फ्रेमवर्क को सीखें, तो आपके लिए मैं ऑप्शन कर देता हूं यहाँ पे फ्री। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में मिलता है टिलविंट CSS। अब आप कहेंगे कि टिलविंट CSS क्यों, क्योंकि आगे चल के मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, यहाँ पे टिलविंट CSS मिल गया आपको। टिलविंट CSS के बाद है आपका बूटस्ट्रैप 5, आप चाहें तो बूटस्ट्रैप 5 सीख सकते हैं। अब जितने भी ये CSS है ना फ्रेमवर्क, अब इसके अंदर जितनी भी चीजें प्रॉपर्टीज यूज हो रही है वो कोर CSS को ही यूज करके बन रही है। जस्ट आपको अगर आपका कोर स्ट्रांग है
तो फ्रेमवर्क बहुत इजीली समझ में आएगा। ओके इसके बाद है आपका मटेरियल यूआई, देन सेस लेस, ओके देन सीएसएस मॉड्यूल्स। अब मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूं जो कि कंपनी में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो हो रहा है आपका यहाँ पे अभी आपका बूटस्ट्रैप या टेलविंड में से कोई एक कर लेना आप, और उसके साथ में आपका सेस। ओके इतनी चीज अगर आप कर लेते हैं आपका HTML CSS JavaScript के बाद में CSS का एक फ्रेमवर्क तो डन हो जाएगा। ओके ये चीज डन है। देन इसके बाद में नेक्स्ट, अब क्या फिफ्थ नंबर पे, क्या फिफ्थ नंबर पे आपको मिलता है वर्जन कंट्रोल। जब कभी भी जितनी भी चीजें आप बनाएंगे उसको कहीं ना कहीं तो रखना होगा हमें, तो कहां रखेंगे हम रखेंगे उसे गिट पे या गिटहब पे, दोनों एक ही चीज है। तो आपको वो पता होना चाहिए कि किस तरीके से गिट पुश, गिट ब्रांच, गिट स्टेटस, गिट स्टैश, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी उसी के अंदर आती हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना गिट के किसी भी कंपनी के अंदर काम नहीं होता डेवलपमेंट का। ओके इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे, नेक्स्ट आपका सीएलआई बेसिक। सीएलआई बेसिक क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कमांड लाइन से भी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया होगा तो आप ये चीज बार बार पूछेंगे दूसरों से या कंपनी में हेल्प लेंगे, उससे अच्छा है कि आप इस चीज को पहले ही बेसिक सीख के जाएं, और जिससे कि आप डिफरेंस पैदा कर सकें जब कभी भी इंटरव्यू में बैठे तो आप बोल सकेंगे मेरे को भी ये आता है, गिट भी आता है, सीएलआई भी आता है, और बाकी ऊपर के सारे टॉपिक्स भी आते हैं। ओके क्योंकि हमें डिफरेंस क्रिएट करना है बाकियों से, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो छोटी छोटी चीजों को एड ऑन करके ही हो सकता है। ओके इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट जो कि फंडामेंटल था आपका, 0 to 3 months के अंदर आप इतना कवर करेंगे। अब कहां से कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे, वो चीजें अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद है नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के अंदर आप चाहते हैं कि फ्रंट एंड किसी फ्रेमवर्क के अंदर जाना चाहते हैं आप, जो कि 3 months से 6 months के अंदर होगा, तो कौन कौन से वो फ्रेमवर्क्स हैं आपके लिए। सबसे पहले रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं, उनको आप सीख सकते हैं। अब इसके अंदर ऐसा ही क्यों, रिएक्ट ही क्यों और नेक्स्ट ही क्यों, क्योंकि उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है छोटा सा एग्जांपल। इट मींस सर्वर कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं, सस्पेंशन मिलते हैं हमें यहाँ पे, आरएससी मिलते हैं हमें यहाँ पे, एंड ऐप राउटर मिलते हैं, और बहुत कुछ। ये तो मैंने जस्ट एक बेसिक लिखा है यहाँ पे, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, दैट्स वाई इतना पॉपुलर है रिएक्ट, और रिएक्ट के बाद में जो रिएक्ट का फ्रेमवर्क, खुद का फ्रेमवर्क आया नेक्स्ट जेएस, वो भी इतना पॉपुलर है। ओके नेक्स्ट इसके बाद में सेकंड आपको क्या करना चाहिए फ्रेमवर्क, आप व्यू जेएस भी जा सकते हैं, और व्यू जेएस के साथ में आप यहाँ पे nust.js में जा सकते हैं। ओके यही क्यों, इसके अंदर आने के बाद में आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका या फिर आप कह सकते हैं साउथ कोरिया, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अडेप्ट कर रही हैं व्यू को भी। ओके और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी ऐसे हैं जो व्यू के ऊपर चल रहे हैं। अगर आप व्यू की नॉलेज ले लेंगे, आप उन कंपनियों में आप अपने आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे बहुत अच्छे से, और गेट कर पाएंगे जॉब। ओके क्योंकि रिएक्ट में तो ऑलरेडी भीड़ है, बट आप भी रिएक्ट करेंगे और प्लस व्यू भी कर लेंगे, तो आपके पास में एडवांटेज हो जाएंगी चीजों की, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे रखी भी है और अच्छे तरीके से मेंशन कर रखी है, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल सके। नेक्स्ट इसके बाद में थर्ड है आपका यहाँ पे एंगुलर 17 से ऊपर के वर्जन जितने भी है ना, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं एंगुलर के, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। ओके सपोज जैसे कि यहाँ पे मैंने आपका लिखा है, आपका जैसे कि मैंने यहाँ पे आपका लिख रखा है आपका मॉड्यूलर, आपका आर्किटेक्चर, ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए एंगुलर के अंदर। तो ये तीन कॉमन आपके फ्रेमवर्क हैं जो कि आप जावास्क्रिप्ट से निकाल के, अगर जावास्क्रिप्ट बेसिक आ गई है, निकाल के सीख सकते हैं। रिएक्ट चाहे तो रिएक्ट, व्यू, एंगुलर। पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा नेक्स्ट जेएस कर लें आप। अगर डायरेक्ट नेक्स्ट जेएस पे जंप करेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत टफ हो जाएगा समझना, बट अगर आप रिएक्ट थोड़ा सा बेसिक कर लेंगे ना, तो आपको नेक्स्ट जेएस बहुत इजी लगेगा करने में। ओके और अगर नेक्स्ट नहीं चाहते, रिएक्ट नहीं चाहते, तो सेकंड पे रखूंगा मैं आपको एंगुलर, थर्ड पे होगा आपका व्यू जेएस। ओके मैं इसलिए क्लियर भी करते हुए चल रहा हूं आप सबको, कि जिससे कि आपको पता लगे कि क्या करना है आपको नेक्स्ट, जो कि फोर्थ नंबर पे। ओके बेसिकली इसका थर्ड नंबर होना चाहिए था, लाइए मैं इसको थर्ड कर देता हूं। ओके वैसे इसका थर्ड नंबर होना चाहिए था और यहाँ पे आपका फोर्थ नंबर होना चाहिए था, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका है एडवांस कॉन्सेप्ट्स। अब एडवांस कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए फ्रंट एंड के अंदर। जब आपने फ्रेमवर्क सीख लिया रिएक्ट का, रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस, और आपने सीएसएस के फ्रेमवर्क कर लिए, देन इसके बाद में आपको बेसिक आइडिया लग चुका है कि कैसे एप्लीकेशन बन रही है, कैसे बनानी है मेरे को,
अब एडवांस कॉन्सेप्ट्स में आप क्या दिखा सकते हैं कि आपको क्या आता है? सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक लैंग्वेज को लेके उसको टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप कन्वर्ट करके बना सकते हैं, जिससे कि जब कभी भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें या किसी भी क्लाइंट के लिए काम करें, उस टाइम पे आपको आइडिया हो कि किस तरीके से लार्जर एप्लीकेशन पे, इंटरप्राइज एप्लीकेशन पे वर्क करा जाता है एज अ टीम मेंबर। ओके, पहली चीज। सेकंड, आपको ग्राफक्यूएल प्लस रेस्टफुल एपीआईज के बारे में पता होना चाहिए। ये दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने मेंशन करा है एक जगह पे, क्योंकि ये दोनों ही एपीआई से रिलेटेड वर्क है बट एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आपको जब ग्राफक्यूएल आप सीखना चाहेंगे तो ग्राफक्यूएल के अंदर आपको फ्रंट एंड के अंदर आना चाहिए, अपोलो क्लाइंट, रिएक्ट क्वेरी एंड कैशे वाली स्ट्रेटेजी की किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बट अगर आपको रेस्टफुल एपीआई करनी है तो वहां पे जस्ट आपको हुक बनाना आना चाहिए। अगर वो चीजें आप रिएक्ट में करेंगे तो वहीं पे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट क्लियर। अब मानिए कि एंगुलर कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं या रिएक्ट, तीनों में ही आपको ग्लोबली स्टेट मैनेजमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि लोकल तो आप पढ़ेंगे जो बाय डिफॉल्ट वहां पे है उस लैंग्वेज के अंदर, बट ग्लोबली भी तो करना आना चाहिए। तो ग्लोबली के लिए आपको क्या चीजें चाहिए? लाइब्रेरी चाहिए। इट मींस यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको रिडक्स टूल किट मिल जाएगा, रिकॉयल मिल जाएगा आपको। तो ये सारे जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ ये आप यूज कर सकते हैं। मैंने एंगुलर के यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करे, एनजीआरएक्स को आप रख सकते हैं एंगुलर के अंदर, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, इसके बाद है यहाँ पे फोर्थ नंबर पे टेस्टिंग। देखिए, जब कभी भी एज अ डेवलपर हम वर्क करते हैं, मैं क्यों ना अभी मैं अपने बारे में भी बताता हूँ कि अगर मैं भी अभी वर्क कर रहा हूँ किसी भी एक प्रोजेक्ट पे, तो मुझे अपने पर्टिकुलर कंपोनेंट पे जो भी मैं टेस्ट लिख रहा हूँ, इट मींस की कोडिंग लिख रहा हूँ, उसके टेस्टिंग केस, टेस्ट केसेस लिखने होंगे, जिससे कि जब कभी भी वो प्रोडक्शन के लिए कोड जाएगा उससे पहले ही उसके अंदर बग फाइंड कर लिया जाएगा कि वो कोड एक्चुअल में रनिंग कंडीशन में है या नहीं। ओके, तो टेस्टिंग के अंदर किन चीजों को ध्यान रखना है आपको, कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं आप? जेस्ट सीख सकते हैं, साइप्रस, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी। अब ये साइप्रस जब सीखेंगे आप तो एंड टू एंड में बहुत हेल्प मिलेगी आपको कि एंड टू एंड टेस्टिंग कैसे करते हैं, और जेस्ट तो आपके साथ में रिएक्ट के साथ में है ही। एंगुलर सीखेंगे आप तो वहां पे जैस्मिन को आप यूज कर लेना। ओके, रिएक्ट व्यू के साथ में तो दोनों ही कंबाइंड ऑप्शन बहुत ठीक है। तो ये डन। फिफ्थ, इसके बाद में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में आप क्या कर सकते हैं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी इम्प्रूव स्किल्स को दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज अगर हो रही है इस एप्लीकेशन में, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में, तो आप उसे इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो आप वहां पे सजेशंस दे सकते हैं, लाइक कोड स्प्लिटिंग करके, लेजी लोडिंग लगा के, SSR लगा के, CSR को कन्वर्ट करके, तो वो सारी चीजें आप वहां पे सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप दिखा सकें कि यस, मैं हूं अभी एज अ फ्रेशर बट मेरे को इतनी सारी चीजें पहले से पता है और मैंने प्रैक्टिस करी है। ओके, इसके बाद है सिक्स नंबर पे आपका माइक्रो फ्रंट एंड। ओके, माइक्रो फ्रंट एंड के अंदर आपको क्या आना चाहिए? मॉड्यूलर फेडरेशन आपको पता होना चाहिए, सिंगल SAP होना चाहिए। ओके, इट मींस कि सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए एडवांस के अंदर। ओके, जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, इसीलिए मैंने इतना डिटेल में मैंने बनाया है यहाँ पे कि इसको डिवाइड करके चंक्स में, कि आपको पता होना चाहिए कि कितने महीने लग रहे हैं किस टॉपिक पे और कैसे कवर करना है और क्या क्या कवर करना है, बस उतना ही। ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि ये कर लो, उसके अंदर जाके आप 700 टॉपिक पढ़ लोगे जावास्क्रिप्ट के, बट वो 700 टॉपिक यूज ही नहीं होते लाइफ में, तो क्या करोगे? इसीलिए मैंने लिमिटेड चीजें रखी है, लिमिटेड चीजों में ही आपको ग्रैब करनी है चीजें, और यही चीजें आपको अपने रिज्यूमे के अंदर एड ऑन भी करना है। ओके, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे, जिसका फिफ्थ नंबर यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे आपको मिलता है DevOps प्लस CI/CD पाइपलाइन का। अब यही क्यों? आप कहेंगे हम तो फ्रंट एंड डेवलपर हैं, हमें क्यों नॉलेज होनी चाहिए? बट मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ अभी आपको कि बहुत सारी कंपनीज ये क्वेश्चन पूछेंगी आपसे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, और अगर क्लाइंट इंटरव्यू होता है आपका सर्विस बेस्ड कंपनीज में तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ओके, तो इसके अंदर पहला है आपका फर्स्ट डॉकर और कंटेनराइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डॉकर क्या है, कंटेनराइजेशन कैसे है, कैसे वर्क करता है, क्यों यूज करते हैं हम, ये सारी चीजें। ओके, और इसी के अंदर आपको एनवायरमेंट्स कैसे सेट करा जाता है, लोकल से प्रोडक्शन पे कैसे ले जाया जा सकता है, बेसिक। ये नहीं मैं आपसे कह रहा कि डीप जाके नॉलेज लेनी है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। ओके, बट अगर आप ये पढ़ लेंगे
मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूं कि आप बाकियों से बहुत अलग दिखेंगे, क्योंकि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर किसी को अगर ये चीजें आती हैं तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा है एज अ कैंडिडेट सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे वर्चुअल के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेटलिफी के बारे में पता होना चाहिए, AWS के बारे में पता होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक कर सकते हैं जो कि आपके डिप्लॉयमेंट जो कि आपके डिप्लॉयमेंट होस्ट है इनमें से जिसकी भी आप बेसिक नॉलेज रखना चाहें वो रखें, बट किसी ना किसी एक की तो जरूर रखें। इसके बाद है थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे एज कंप्यूटिंग के बारे में। एज कंप्यूटिंग ही क्यों, क्या होता है इसके अंदर? जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लाउड के ऊपर सारी चीजें चल रही है यहाँ पे, राइट? तो क्लाउड के बारे में मैंने वर्क पर सर्विस कैसे बनते हैं, कैसे आप फास्टर डिलीवरी करेंगे, कैसे आपके नेटवर्क्स को कंट्रोल करेंगे, CDNs को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। इसके बारे में भी अगर आप पढ़ के जाएंगे, डेफिनेटली आपको इतना ज्यादा काम नहीं देंगे वो लोग, बट आप बताएंगे तो आपको बहुत ज्यादा वो अप्रिशिएट करेंगे कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको ये भी आता है। इसके बाद है फोर्थ नंबर पे सिक्योरिटी रिलेटेड। डेफिनेटली जिस तरह से चीजें चल रही है मार्केट में डे बाय डे आप देखेंगे कि बल्क में चीजें बन रही हैं, बट उतनी ही ज्यादा सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी है। अगर आपको सिक्योरिटी इतनी इनहेंस करनी है अपनी एप्लीकेशन की तो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे जॉट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, JWT टोकन का, या फिर OAuth का कर सकते हैं, क्रॉस का कर सकते हैं, देन वेब ऑथ का कर सकते हैं, ये सारी चीजें सजेशन आप दे सकते हैं। तो यही है आपका रोड मैप जो कि मैंने फ्रंट एंड का रखा है आपका, ये देखिए। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। प्रॉपर फ्रंट एंड डेवलपर का रोड मैप है ये। इसके अंदर जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं वो उनमें से मैक्सिमम चीजें मेरे चैनल पे है, जाके आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरे यहां से नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, आप कहीं से भी यूट्यूब पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तब भी मैं अपने चैनल पे आपको एक बार लेके चलता हूं जो भी आप पढ़ना चाहें मेरे चैनल से। तो कोड फॉर एजुकेशन पे आते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आने के बाद में प्लेलिस्ट के अंदर आना है आपको यहाँ पे नेक्स्ट जेस के प्रोजेक्ट्स ट्यूटोरियल्स, देन इसके बाद में जॉब वैकेंसी, देन आप यहाँ पे देखेंगे रिएक्ट के इंटरव्यूज, इंटरव्यू कैसे निकालेंगे आप वो, देन इसके बाद आप यहाँ पे आके देखेंगे तो रिडक्स टूल किट लेटेस्ट रिएक्ट 19 के साथ में मैंने बना रखा है आपका, एंड राउटर भी मैंने बना रखा है, रिएक्ट के ट्यूटोरियल्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और प्रोजेक्ट्स के साथ में, देन जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे बना रखे हैं आपके, एडवांस जावास्क्रिप्ट, बेसिक जावास्क्रिप्ट सारी चीजें मैंने मेंशन कर रखी हैं, बूटस्ट्रैप 5 के ट्यूटोरियल है विद प्रोजेक्ट्स, एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि HTML CSS सारी चीजें कवर कर रखी हैं डिटेल। तो सारी चीजें तो आपको यहीं से मिल जाएंगी, बाकी जो चीजें आपको चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मैं करवा दूंगा, जाके आप चेकआउट जरूर करना, पढ़ना वहां से कि जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। अब आप चाहते हैं कि आपको 1-to-1 गाइडेंस भी मिले, जैसे कि जो लोग करते हैं मेरे साथ में सेशन बुक, तो मैं उन्हें 1-to-1 गाइडेंस भी देता हूँ रिलेटेड करियर जॉब एंड जो भी आपको हेल्प चाहिए वो, तो आप यहाँ पे टॉपमेट के थ्रू आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। इस सेशन में डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ और मैं पर्सनली लेवल पे आपको चीजें हेल्प करवाता हूँ यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे तो गिटहब से आप डाउनलोड कर सकते हैं उन्हें, जितनी भी रेपोज आपको दिख रही है यहाँ पे। और अगर जो चीजें यहाँ पे नहीं है गिटहब पे तो वो मेरी खुद की वेबसाइट पे कोड फॉर एजुकेशन की यहाँ पे वेबसाइट है, इससे डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर वो हेल्प करेंगी आपको इम्प्रूव करने के लिए, और कोशिश करिएगा जो भी रूट मैप का मैंने टाइम ड्यूरेशन रखा है उसी में ये सारे टॉपिक कवर करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए मेरे को कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें मेरे को ये चीज की हेल्प है, तो मैं आपके लिए वहां पे हूं खड़ा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में गाइस, जब तक टिल देन बाय बाय गाइस।